बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सब बहन भाइयों को बर वक्त पहुँचता रहे। तो इसी के साथ ही हम आज की वीडियो करते हैं आगाज। आज की वीडियो हमारी कुछ इस तरह की है। टांका ला के ना ते ओ बराबर रख के ते छाड़े चार दे हम दो। हां डबल कर के इस तरह दोनों दे के इस तरह ना बन जाएगा। पा दे साडा वैसे ओ मेरे पापा ने उधर लाई थी कहंदा मिग्गी है रजाई। हम्म, पंत रजाई चंगी लगदी कंबल ना कंबल ने अपनी इस तरह दी हल्की है। बिल्कुल हल्की है। हां हल्की है। हां ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਗੀ ਉਧਰ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਰਜਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਠਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਤੀਆਂ ਲੇਟ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਆਨੇ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੀ ਰਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਛੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੱਢੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਜਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਰਜਾਈ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा सही हो गया। मेरा खुद हो जी क्लिस्टर के रिश्ते सोने लग गए हल्का बिल्कुल। ते एक ये वाला छाड़ा उसके चढ़ना ना वो बंदा चढ़ दे और जड़न नहीं वेलवर्ट दोस्त नहीं जैसी वेलवर्ट के हाँ ये मैं भी ले आई हूँ तो दौड़ जाएंगे तो कवर है ना यार तो मैं चढ़ना सवेरे में कटूंगा ਕਟ ਕੇ ਚਾੜ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 17 ਦੇ ਇਹ ਠਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਠਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਗਾਏ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਠਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਚਾੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਮੇਰੇ ਕਿਚੀ ਕੋ ਅੱਜ ਗਈ ਮੇਰਾ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ चप्पल भी शूज भी घर हुण किन्नियां चप्पलां हो गईयां तीन चार चप्पलां है। अगले दिन एक पैर स्लिप होया तो टूट गए कहंदी मामा मैनूं शलोशा टेप लाके जोड़ दे। चलो गिफ्ट मिल गया ही सही। गिफ्ट मिल गया सही। दो इधर कोई नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैठे हैं बारिश में भीग के मेरे बच्चे। इनको नूडल खाने थे। नूडल तीन तो मेरे पास थे। ये दुकान से एक मिला है। समीर बेटा लेके नहीं आया। इसके पापा ने पैसे दिए थे। वो अपने पैसे जी जमा कर रहा है। मम्मा जी बारिश हो रही है। कोई ना चटपटी चीज़ खानी है या पकौड़े बना के दो या नूडल बना के दो। हमने कहा नूडल जल्दी बन जाएंगे मुझे वक्त कम करना पड़ेगा तो इसलिए जो पानी मैंने रख लिया है पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर नूडल डालती हूँ और फिर बच्चों अपने तीनों को देती हूँ। ये पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब ये नूडल भी पैक कर मैं इसे मैंने निकाल लिया है। ये डालती हूँ उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही बच्चों का दूध गर्म किया है और साथ ही ये दूध गर्म कर रही हूँ और इधर चाय बना के रखी है। ये आज बर्तन दोनों भी काफ़ी बोतल हो रहे हैं बाहर क्योंकि थोड़ा सा सीन ओपन है इस वजह से। ये रैपर मैंने अभी इधर रखे हैं जब बाहर निकलती हूँ तो फिर बास्केट में डालती हूँ। इधर से बच्चे दूसरे कमरे में बास्केट उठा के ले गए हैं तो अभी कुछ बर्तन भी धोने वाले हैं। चलो गुजारा मुजारा करते हैं इन्हीं बर्तनों से बाकी फिर बाद में धोती हूँ।
क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। पहले तो हल्की हल्की थी, अब काफ़ी तेज़ हो रही है, तो धूप ना निकलने की वजह से काफ़ी सर्दी। बच्चे तो बिस्तर में बैठते नहीं हैं, बस उनको ना सर्दी लगती है, सारा दिन यही है कि जल्दी जल्दी बाहर चलते फिरते रहे। एक छुट्टियाँ हो गई हैं इनको, अच्छा खासा तंग करते हैं। अब ये नूडल भी तैयार हो चुके हैं, मसाला भी मैंने डाल दिया ऊपर, मिक्स कर दिया है। तो अब देखते हैं बाहर बारिश उतनी देर में जो ठंडे हो जाएंगे, दूध भी गर्म बच्चों का हो चुका है। तो जी बेटा जल्दी देवा कि बच्चों को जल्दी है, पहले नूडल ही देती हैं इनको खाने के लिए, तो बाद में बारिश बाहर देखते हैं कितनी हो रही है। मौसम आज काफ़ी अच्छा है जी बेटा जी, मैंने तो देख ली है, देख ली है, काफी हो रही है, कपड़े भीग गए हैं आपके सारे, ठंड लग रही है। चलो जी नूडल खाओ और बिस्तर में चलो। बच्चे नूडल लेके बैठे हैं गर्म गर्म, मम्मा की बेटी भी खा रही है। मामा कह रही है मामा जी मैं आपकी बेटी हूँ, मम्मा की बेटी ने और खाने हैं अभी। कबीर है क्या कर रहे हो, सीधा बैठ के खाओ, सीधे बैठ के, नीचे ना गिर जाए। हमेशा छत के ऊपर बारिश काफ़ी हो रही थी, अब कुछ हल्की हुई है, तो मैं आई हूँ। आसमान पर अभी भी बादल ही बादल हैं, ये कभी अपने घरों को परिंदे जा रहे हैं। अब मामा बेटिया मेरे पीछे आ गई है, मामा बेटिया सोने सर्दी है इतनी ज़्यादा, लगता है और बारिश आएगी जी बेटा। इसने आज अपने भाइयों का कोट उठा के पहना हुआ है कि मामा जी सर्दी लग रही है, मैंने कोट डालना है, तो कोट पहन के खड़ी है। मामा जी मैंने जेब में हाथ डाले हुए हैं, भी कुछ धुल गया, बाकी जो रहेगा सफाई कर लेंगे। ये शाम हो रही है, अब थोड़ी सी धूप निकली है, तो बादल अभी भी आसमान पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर लगता है फिर बारिश शुरू हो जाएगी। अब शाम हो गई है, हमारे घर से धूप चले गई है, लेकिन हर तरफ अभी बारिश हो रही है। एक हो गई थी बच्चों की ये डिश ख़राब, तो अब ये इलेक्ट्रिशियन वाला बुलाया था, ये ठीक करवाइए, अब इधर सेट करवा ली है दूसरी तरफ। माशाल्लाह बारिश की वजह से ये धनिया भी कितना प्यारा हो गया है, और ये वाला भी। अब बच्चों ने जो तारे वगैरह हर चीज़ रखी हुई है, तो इधर बैठ के खेल रहे थे, तो अब चलती हूँ नीचे जाके कोई खाने का इंतजाम करती हूँ। ये ईंटे अभी उठाने वाली हैं, ये बाद में उठा के इधर सारी रखनी पड़ेंगी अच्छी तरह।